गाइस ऐश का चार्जर कितना स्ट्रांग है ये हम काफी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि एनीमे के अंदर ऐश के चार्जर ने कई बार साबित किया है कि वो ऐश का वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट पोकेमोन में से एक है। लेकिन गाइस हम सभी जानते हैं कि ऐश के चार्जर के पास कोई भी अल्टरनेट फॉर्म नहीं है, वो अपने बेस फॉर्म में इतना स्ट्रांग है। लेकिन गाइस क्या हो अगर ऐश के चार्जर के पास जीमैक्स फॉर्म आ जाए, क्योंकि गाइस जीमैक्स फॉर्म अब तक का सबसे स्ट्रांग फेनोमेना है। और अगर सबसे स्ट्रांग फेनोमेना यानी कि गाइंटामैक्स फॉर्म अगर ऐश के चार्जर के पास आ जाए तो वो कितना स्ट्रांग हो जाएगा, क्या वो लीगॉन के गिगेंटामैक्स चार्जर से भी ज्यादा ताकतवर बन पाएगा या फिर ऐश के टीम में सबसे ताकतवर पोकेमोन बन पाएगा। तो इसीलिए गाइस आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ऐश के चार्जर के पास गिगेंटामैक्स फॉर्म आ जाए तो वो कितना स्ट्रांग पोकेमोन बन जाएगा। सो गाइस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐश का चार्जर कितना स्ट्रांग है। गाइस एनीमे के अंदर ऐश के चार्जर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि एनीमे के अंदर ऐश के चार्जर ने कई सारे स्ट्रांग पोकेमोन को हराया है, जैसे कि जोटो लीग में गैरी का ब्लास्टोइस को, बेटल फ्रंटियर के नोलन के आर्टिकूनो को, और उसके बाद यूनोवा रीजन में आरएस के ड्रैगनाइट को। ऐसे ही और भी कई सारे पोकेमोन को ऐश के चार्जर ने हराया है। लेकिन गैस इन सभी में उसकी सबसे टफेस्ट बैटल थी नोलन के आर्टिकूनो के खिलाफ, क्योंकि गैस हम सभी जानते हैं कि जो आर्टिकूनो है वो एक लेजेंडरी पोकेमोन है, और किसी नॉन लेजेंडरी पोकेमोन के लिए किसी लेजेंडरी पोकेमोन को हराना कितना ज्यादा मुश्किल है ये हम सभी काफी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसीलिए गैस ऐश के चार्जर की अब तक की सबसे टफेस्ट बैटल है नोलन के आर्टिकूनो के खिलाफ। गैस मैं जानता हूँ कि ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि ऐश के चार्जर की टफेस्ट बैटल है ऐश के इन्फर्नो के साथ, क्योंकि पोकेमोन जर्नी के एपिसोड 68 में ऐश और इन्फर्नो की बैटल होती है। लेकिन गाइस अभी तक हमें कंफर्म नहीं पता चला है कि इनकी बैटल में कौन जीता था, क्योंकि जब प्रोफेसर ओक ऐश और गो को ये बताते हैं कि इन्फर्नो ने कई सारे फायर टाइप पोकेमोन के साथ बैटल की और उनमें चार्जार्ड भी शामिल था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनमें कौन जीता। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि इन दोनों के बीच में भी बैटल हुई थी। अब इन दोनों में कौन जीता वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि एनीमे के अंदर अभी तक बताया नहीं गया है। हो सकता है कि इन्फर्नो जीत गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि चार्जार्ड जीत जाए, या फिर ड्रॉ भी हो सकता है। तो हाँ, बिना प्रूफ के हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। इसीलिए गाइस चार्जर की अब तक की सबसे टफेस्ट बैटल है नोलन के आर्टिकूनो के खिलाफ। अगर एनीमे के अंदर हमें बताया गया होता कि ऐश का चार्जर ऐश के इन्फर्नो को भी हरा दिया था उस वक्त, तब मैं ये कहता कि ऐश के चार्जर की सबसे टफेस्ट बैटल ऐश के इन्फर्नो के साथ थी। लेकिन गाइस हमें नहीं बताया गया, इसीलिए अभी के लिए तो ऐश के चार्जर की टफेस्ट बैटल है नोलन के आर्टिकूनो के खिलाफ। अब गाइस आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा कि ऐश का चार्जर कितना स्ट्रांग है, क्योंकि उसने लेजेंडरी पोकेमोन आर्टिकूनो को भी हराया है। तो गाइस अब आप समझ सकते हैं कि ऐश का चार्जर अपने बेस फॉर्म में कितना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर इतने स्ट्रॉन्ग चार्जर को मेगा इवोल्यूशन या फिर गिगेंटामैक्स फॉर्म मिल जाए तब क्या होगा, क्या वो ऐश के टीम में सबसे ताकतवर पोकेमोन बन पाएगा, और क्या वो लियोन के जीमैक्स चार्जर को भी हरा पाएगा। सो गाइस अगर कभी फ्यूचर में ऐश के चार्जर के पास गिगेंटामैक्स फॉर्म आ जाता है, फिर भी गाइस वो मेरे ख्याल से तो लियोन के गिगेंटामैक्स चार्जर के सामने टिक नहीं पाएगा। अब काफी लोग कहेंगे कि तू गलत कह रहा है, क्योंकि ऐश के चार्जर ने तो बेस फॉर्म में नोलन के आर्टिकूनो को हरा दिया था जो कि एक लेजेंडरी पोकेमोन है, तो जीमैक्स फॉर्म मिलने के बाद लियोन के जीमैक्स चार्जर को तो हरा ही देगा। गाइस जानता हूँ कि ऐश के चार्जर ने बेस फॉर्म में ही आर्टिकूनो को हरा दिया, लेकिन गाइस वो अपने बेस फॉर्म में कई सारे वीक पोकेमोन के साथ भी हारा है। जैसे कि जब ऐश के चार्जर ने नोलन के आर्टिकूनो को हराया, उसके बाद वो ब्रेंडन के डस्क्लॉप से भी हार गया था, जो कि इतना स्ट्रांग पोकेमोन है भी नहीं। हम सभी को पता है कि डस्क्लॉप्स की पावर कितनी ज्यादा होती है, और वैसे भी गाइस डस्क्लॉप्स अपने सेकेंडरी इवोल्यूशन में था, डस्क्लॉप्स अपने फाइनल स्टेज में था भी नहीं। अगर चार्जर डस्कनॉइड से हारता तो हम एक बार कह भी सकते थे, लेकिन गाइस वो उसके सेकेंडरी इवोल्यूशन डस्क्लॉप से हार गया। अब गाइस डस्क्लॉप्स कितना स्ट्रांग है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको भी पता है कि डस्क्लॉप्स कितना स्ट्रांग है। और गाइस अगर आप लोगों ने पूरा यूनोवा रीजन देखा है, यूनोवा रीजन के सारे एपिसोड देखे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जब आरएस ड्रैगनाइट को ऐश के चार्जर ने हरा दिया था अपने फर्स्ट बैटल में यूनोवा रीजन के, उसके बाद ऐश ने उसे जितनी बार बाहर निकाला उतनी बार वो नाक कटाकर आ जाता था पोकेबॉल में। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो हर बैटल हारता था, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो वो हार ही जाता था, यहाँ तक कि वो टीम रॉकेट से भी हार गया था। और एक बार तो उसे पिगनेट जैसे पोकेमोन की मदद लेनी पड़ी, जो कि ऐश का वन ऑफ द वर्स्ट पोकेमोन में से एक है। कौन कहेगा कि ये वो चार्जर्ड है जिसने लेजेंडरी पोकेमोन आर्टिकूनो को भी हराया है, कोई मानेगा ही नहीं कि ये वो चार्जर्ड है। पता नहीं कि पोकेमोन वालों को ऐश के चार्जर के साथ क्या दुश्मनी है कि वो लोग उसकी पावर बहुत ही कम दिखाने लगते हैं आगे। स्टार्टिंग में जब चार्जर्ड आएगा तो उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा रहेगी, लेकिन आगे जाके बहुत ही कम हो जाती है। पता नहीं गाइस क्या दुश्मनी है, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना कि क्या दुश्मनी है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। तो इसीलिए गाइस अगर ऐश के चार्जर को जीमैक्स फॉर्म मिलता है, फिर भी वो लियोन के चार्जर को तो नहीं हरा पाएगा, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलो ठीक है, लियोन के चार्जर को तो नहीं हरा पाएगा,
लेकिन क्या वो ऐश के टीम में सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रहेगा अगर उसे जीमैक्स फॉर्म मिल जाए तो? क्या वो ऐश के ग्रेनिंजा को हरा देगा? क्योंकि अभी के लिए तो मेरे हिसाब से ऐश के टीम में सबसे ताकतवर पोकेमॉन है उसका ऐश ग्रेनिंजा। काफ़ी लोग पिकाचू को मानते हैं कि ऐश के टीम में सबसे ताकतवर पोकेमॉन उसका पिकाचू है, लेकिन गाइस मेरे ख्याल से तो ऐश का ग्रेनिंजा। तो क्या जीमैक्स फॉर्म मिलने के बाद ऐश का चार्जर्ड ऐश के ग्रेनिंजा को हरा पाएगा? सो गाइस अब ये बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। एक तरफ ऐश का बॉन्ड इवोल्यूशन ग्रेनिंजा, तो दूसरी तरफ ऐश का जीमैक्स फॉर्म में चार्जर्ड। इन दोनों में कौन जीतेगा ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो गाइस ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है अगर ऐश के चार्जर्ड को जीमैक्स फॉर्म मिलता है तो क्या वो ऐश के ग्रेनिंजा से ज़्यादा ताकतवर रहेगा? हमें नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। तो ठीक है गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ आप सभी अगली वीडियो में।